हेलो स्टूडेंट्स इन टूडेज क्लास वी आर गोइंग टू डिस्कस वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट टॉपिक इन द लिविंग वर्ल्ड चैप्टर दैट इज अबाउट टैक्सोनॉमिक एड्स सो स्टूडेंट्स टैक्सोनॉमिक एड्स का मतलब आता है इट्स अ स्टोर हाउस ऑफ इंफॉर्मेशन एंड स्पेसिमन विच कैन हेल्प इन आइडेंटिफिकेशन एंड क्लासीफिकेशन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म मतलब टैक्सोनॉमिक एड एक स्टोर से आप कंपेयर कर सकते हैं और इस स्टोर में आपको इंफॉर्मेशन मिलेगी स्पेसिमेंट्स मिलेंगे रेफरेंस के लिए जिस इंफॉर्मेशन से और जिस स्पेसिमेंट से आपको आइडेंटिफिकेशन और क्लासिफिकेशन करने में ऑर्गेनिज्म की आइडेंटिफिकेशन और क्लासिफिकेशन करने में आसानी होगी और वो इंफॉर्मेशन जो भी ये टेक्सोनिक एड्स में जो इंफॉर्मेशन है

एक शीट में आप उसको फिक्स करते हैं पेस्ट करते हैं सारे इंफॉर्मेशन के साथ हर्बेरियम शीट आती है हर्बेरियम शीट्स आते हैं उन हर्बेरियम शीट्स में हम प्लांट स्पेसिमन को ड्राई करके प्रेस करके इस शीट में प्रिजर्व करते हैं और इस शीट में हम उसके बारे में सारा इन्फॉर्मेशन लिखेंगे वाट इन्फॉर्मेशन डेट ऑफ कलेक्शन प्लेस ऑफ कलेक्शन कलेक्टर नेम local name of the plant specimen scientific name of the plant, uh, plant uh, scientific name of the plant collected family everything so herbarium is a storehouse of plant specimen where the specimens are dried pressed and preserved or plant specimen either it will be leaf flower root stem etc the second taxonomic aids are botanical garden सो दिस इज़ वेरी वेल नोन टैक्सोनमिक एड इन द बोटनिकल गार्डन वी आर गोइंग टू ग्रो द प्लांट्स हम यहाँ पे प्लांट्स को ग्रो करेंगे और वी आर गोइंग टू डिस्प्ले दो प्लांट्स सो दैट द स्टूडेंट्स एंड टीचर्स एंड हो आर इंटरेस्टेड टू लर्न अबाउट द प्लाट्स दे कैन कम फॉर द परपज ऑफ रिसर्च एंड एजुकेशन बॉटॉनिकल गार्डन ऐसे गार्डन हैं जिसमें हम प्लांट्स को अलग अलग तरीके के प्लांट्स को ग्रो करेंगे और डिस्प्ले भी करेंगे किस लिए फॉर द पर्पस ऑफ रिसर्च एंड एजुकेशन और यहाँ पे हर एक प्लांट के पास आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी जैसे कि साइंटिफिक नेम और फैमिली प्लांट के पास आपको एक लेबल मिलेगा उस लेबल पर आपको प्लांट के बारे में हर एक इन्फॉर्मेशन लिखी हुई पाई जाएगी सो द बेस्ट बोटानिकल गार्डन्स इन अवर इंडिया आर इंडियन बोटोनिकल गार्डन इन कलकत्ता एंड नैशनल बॉटॉनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट इन लखनऊ देन म्यूज़ियम म्यूज़ियम एक ऐसी जगह है जिसमें हम प्रिजर्व करेंगे प्लांट और अनिमल स्पेसीमन को फॉर द स्टडी एंड रेफरेंस एक प्लांट और अनिमल के स्पेसीमन को यहाँ पर हम प्रिजर्व करेंगे सो दट द स्टूडेंट्स और दन हु इज स्टडी इंग द बायोलॉजी दे केन रेफर इट फॉर

इट इज़ ये भी जानी मानी जगह होती है हमारे सराउंडिंग में जोलॉजिकल पार्क में हम वाइल्ड एनिमल्स को एक प्रोटेक्टेड एरिया में हम उनको प्रिजर्व करते हैं अंडर द अंडर द हैबिटेट विच इज़ सिमिलर टू देयर नेचुरल हैबिटेट किस लिए ताकि हम उनके बिहेवियर को जान सकें ताकि हम उनको उनके फूड हैबिटेट को जान सकें सो फॉर एग्ज़ाम्पल जोलॉजिकल पार्क इन मैसूर नेहरू जोलॉजिकल पार्क इन हैदराबाद सो द नेक्स्ट टेक्सोनिक एड इज़ की की का मतलब यहाँ पे आता है वेरी इंपॉर्टेंट टैक्सोनिक एड कीज़ आर यूज फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स बेस्ड ऑन सिमिलारिटीज़ एंड डिसिमिलैरिटीज़ प्लांट्स और एनिमल्स को आइडेंटिफाई करने के लिए ये की यूज़ करते हैं और ये किस बेसिस पे सिमिलैरिटीज़ और डिसिमिलरिटीज़ के बेसिस पे फॉर एग्जाम्पल इन की की आर एनालिटिकल इन नेचर एंड बेस्ड ऑन कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स इन पेर कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स मतलब टाल डॉर्फ ब्लैक वाइट लीन फैट सो so, ऐसे कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स जो पेर में आते हैं उनको बोलते हैं कॉपलेट पेर या कपल इसलिए द कॉन्ट्रास्टिंग पेयर जो की में इन्वॉल्व होते हैं की में यूज होते हैं उनको हम बोलते हैं कॉपलेट कॉपलेट एंड आउट ऑफ द टू प्रपोज कैरेक्टर जैसे टाल हो गया या डार्फ हो गया दो ये प्रपोज कैरेक्टर हो गए इन टर्म्स ऑफ हाइट ऑफ द प्लांट हाइट ऑफ द प्लांट हाइट या तो टाल होता है या तो डार्फ होता है तो बेस्ड ऑन द टू प्रपोज कैरेक्टर्स ओनली वन विच इज़ रिलेवेंट इज एक्सेप्टेड एंड नॉन रिलेवेंट विल भी रिजेक्टेड जो रिलेवेंट है वो एक्सेप्ट होगा जो नॉन रिलेवेंट है वो रिजेक्ट हो जाएगा एंड वन मोर इंपॉर्टेंट पॉइंट यूनि टू रिम्बर इज ईच स्टेटमेंट इन द की हर एक स्टेटमेंट को जो की में हर एक स्टेटमेंट रहता है उसे बोलते हैं लीड ईच स्टेटमेंट इन ए की इज कार्ड एस लीड सो देर आर सर्टन अदर टेक्सोनमिक एड्स फ्लोरा मैन्यूल मोनोग्राफ कैटालाग आर द सम अदर टेक्सोनमिक एड्स दे हेल्प इन करेक्ट आइडेंटिफिकेशन बेराज मैनुअल्स प्रोवाइड इंफॉर्मेशन फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ नेम्स ऑफ वेरियस स्पीसीज इन ए गिवन एरिया अगर ये एक पर्टिकुलर एरिया के अंदर जो स्पीसीस हैं उनको आइडेंटिफाई करने के लिए उनको नेम देने के लिए आपको मैन्यूल की जरूरत पड़ेगी अर्ट इज़ अ टैक्सोनिक एड एंड मोनोग्राफ कंटाइंस इंफॉर्मेशन ऑन एनी वन पर्टिकुलर टैक्सॉन मोनोग्राफ में आपको एक पर्टिकुलर टैक्सॉन के बारे में जानकारी मिलेगी